नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलह विधानसभा क्षेत्र के लिए 172 करोड़ 10 लाख रुपए की परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन की सियासी तपिश के बीच कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे हिमाचल। युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा, प्रदेश के लिए शीघ्र घोषित होगी नई खेल नीति। आईजीएमसी में 7 महीने के बच्चे की मौत पर हंगामा, परिजनों ने स्टाफ पर लगाया लापरवाही के आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के बलह विधानसभा क्षेत्र के गागल में क्षेत्र के लिए 172 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हमेशा बलह क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ही बलह क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि कांगड़ा जिला के बाद मंडी प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गृहिणी सुविधा योजना, हिमकेयर, सहारा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, शगुन योजना ने समाज के प्रत्येक वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया है। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के बिलह विधानसभा क्षेत्र के गागल के लिए 172 करोड़ 10 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गागल में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नेरचौक में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का मंडल स्थापित करने, बिलह विधानसभा क्षेत्र में एक अटल आदर्श विद्यालय खोलने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गागल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, सिहोली और सकरोहा ग्राम पंचायतों में पशु औषधालय खोलने, स्वास्थ्य उपकेंद्र राजगढ़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बंगरोटू में विज्ञान कक्षाएं शुरू करने और शहीद सैनिक पुष्पराज के सम्मान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घाशनू का नाम बदलकर शहीद नायक पुष्पराज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घाशनू रखने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बिलह विधानसभा क्षेत्र में 14 नवगठित ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण के लिए प्रत्येक भवन के लिए 10 लाख रुपए और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पैडी में स्टेडियम मैदान के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिलह में एनसीसी अकादमी की स्थापना से संबंधित मामला उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलह में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए ओएमएस सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और शीघ्र ही लिडार सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विश्व स्तरीय हवाई अड्डे का मार्ग प्रशस्त होगा और 15वें वित्त आयोग ने भी इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जब भी दिल्ली का दौरा करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष हिमाचल प्रदेश से संबंधित मामलों को प्रमुखता से उठाते हैं। प्रदेश के लोग भाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश और प्रदेश के लोगों के प्रति विशेष स्नेह और लगाव है। बिलह विधानसभा क्षेत्र में नाबार्ड के अंतर्गत 45 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गृहिणी सुविधा योजना, हिमकेयर, सहारा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, शगुन योजना ने समाज के प्रत्येक वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया है। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। और बल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुझे लगता कि शायद ये पहला अवसर होगा जब एक साथ एक समय पर एक जगह सारा शिला पट्टिकाएं यहां पर लगी हुई है
8 जिसमें उद्घाटन है और 9 जिसमें शिलान्यास है। और अभी इसके बाद हमको रिवाल्सर भी जाना है। अगर हम सारा योग करें सभी योजनाओं का, 172 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम यहां पर हो रहे हैं और उसके अतिरिक्त 80 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास अभी जाकर के रिवाल्सर में होने हैं। अगर सबको योग किया जाए, सबका जमा किया जाए, 291 करोड़ रुपए आज बल विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हम समर्पित करते हैं। बिलाव विधानसभा क्षेत्र में डांगू हेलीपैड से लेकर गागल तक क्षेत्र के लोगों द्वारा मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में राज्य का संतुलित व समान विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिलह विधानसभा क्षेत्र में NDRF बटालियन स्थापित की जा रही है, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है। खेल मंत्री राकेश पठानी ने ऑनलाइन माध्यम से केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। इस अवसर पर राकेश पठानी ने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश के लिए सम्मान की बात है कि अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। उनके प्रयासों से ही धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम तैयार हुआ है, जिसकी सराहना विश्व स्तर पर की जाती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ नव भारत के निर्माण की दौड़ में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। खेल मंत्री राकेश पठानी ने पैरालंपिक्स में पदक विजेता हिमाचल के निषाद और ओलंपिक्स पदक विजेता हॉकी टीम के वरुण शर्मा का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार द्वारा 1-1 करोड़ की धनराशि से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भला विधानसभा क्षेत्र के रिवाल्सर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिवाल्सर को स्तरोन्नत कर इसे नागरिक अस्पताल बनाने, रिवाल्सर में अग्निशमन उपकेंद्र खोलने, पुलिस चौकी रिवाल्सर को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवाल्सर पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह क्षेत्र हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलह विधानसभा क्षेत्र के रिवाल्सर में जनसभा को संबोधित करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिवाल्सर को स्तरोन्नत कर इसे नागरिक अस्पताल बनाने, रिवाल्सर में अग्निशमन उपकेंद्र खोलने, पुलिस चौकी रिवाल्सर को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने, दुर्गापुर में पशु अस्पताल खोलने, क्षेत्र में हेलीपैड का निर्माण करने, कलखर की रति सड़क मार्ग के उन्नयन के लिए 2 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रिवाल्सर पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह क्षेत्र हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र है। प्रदेश सरकार पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवाल्सर की आंशिक रूप से सम्मिलित आबादी के लिए 44 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली उठाऊ पेयजल योजना, जिसका शिलान्यास आज किया गया, इस क्षेत्र की परसों से चली आ रही पेयजल समस्या को हल करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि बहना में NDRF बटालियन की स्थापना की जा रही है, जिससे किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रदेश के लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध करवाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण के बलह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर उभर कर सामने आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी ने पूरे विश्व में विकासात्मक गतिविधियों को बुरी तरह से प्रभावित किया है, लेकिन इस संकट के बावजूद प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन एवं दवाइयों की कमी के कारण उपचार से वंचित न रह पाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों को केंद्र स्तर पर भी सराहा गया है। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को 25 सितंबर तक दोबारा बंद कर दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन सेल की ओर से सोमवार को इस बाबत लिखित निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की आशंका के चलते छात्रों को स्कूल नहीं बुलाने का फैसला लिया गया है। शिक्षक पहले की तरह स्कूलों में आकर ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे। पुराने आदेशों के तहत विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को 21 सितंबर तक बंद रखा गया था।
हिमाचल कांग्रेस के मुखिया कुलदीप सिंह राठौर ने चमकौर साहिब के विधायक चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राठौर ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ कार्य करेगी और वर्ष 2022 में प्रस्तावित पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से सत्तासीन होगी। वहीं हिमाचल में भाजपा के मिशन रिपीट के लक्ष्य को लेकर कुलदीप राठौर ने कहा कि आज प्रदेश की जनता भाजपा सरकार की नीतियों से बेहद परेशान है, महंगाई आसमान छू रही है, ऐसे में भाजपा का हिमाचल में मिशन रिपीट का सपना कभी पूरा नहीं होगा। राठौर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभा रही है और सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार लामबंद है। कांग्रेस हाईकमान द्वारा पंजाब में पहली बार दलित समुदाय से संबंध रखने वाले सिख चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने उन्हें बधाई दी है और कहा पार्टी हाईकमान के इस फैसले का सभी को आदर करना चाहिए, साथ ही आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इससे लाभ मिलेगा। पंजाब की आबादी में लगभग 32% दलित है, जिसको देखते हुए कांग्रेस के नेतृत्व ने ये काफी सोच विचार के बाद फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा सरकार का हिमाचल में मिशन रिपीट का सपना 2022 में पूरा न होने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की जनता भाजपा सरकार की नीतियों से बेहद परेशान है, महंगाई चरम पर है, ऐसे में 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ही सत्तासीन होगी। लगता है कि जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है वो काफी सोच विचार और मनन के बाद लिया है, तो जो भी निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों को जो है उस निर्णय पे जो है चलना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, अमल करना चाहिए। जो नए मुख्यमंत्री बने उनको मैं जो है शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी इकट्ठे होकर लड़ेगी, एकजुट होकर लड़ेगी और जो मुख्यमंत्री बने वो दलित वर्ग से संबंध रखते हैं। तो ये भी पहली बार हुआ है कि पंजाब में एक दलित को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने जो है दलितों को अधिमान दिया है, तो मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा और 2021 में जो अगला वर्ष है चुनाव का 2022 में पंजाब में भी कांग्रेस जो है सत्तासीन होगी। जब से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना हूँ मैं लगातार जो है लोगों के बीच में हूँ, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ और यहाँ तक कि जब कोरोना का समय था उस वक्त भी जो है हम लोगों के बीच में रहे हैं और आज उसका जो परिणाम है सामने आ रहा है, जिस ढंग से लोग निकल के बाहर आ रहे हैं और विपक्ष की जो भूमिका होती है उस भूमिका को जो है कांग्रेस पार्टी हिमाचल में जो है निभा रही है। जो भी सरकार के जनविरोधी काम है उन कामों के खिलाफ, उन निर्णयों के खिलाफ जो है कांग्रेस लगातार लामबंद है और सड़कों में आके जो है आंदोलन कर रही है। और अभी भी मैं दौरा करके आया हूँ, पहले रामपुर, उसके बाद कुल्लू, कुल्लू में एक बहुत बड़ी हमारी जनसभा हुई जिसमें प्रदेश के प्रमुख नेता उपस्थित रहे। उसके बाद मैं लाहौल स्पीति गया क्योंकि लाहौल स्पीति में अभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं, तो जो जिला परिषद के हमारे प्रत्याशी हैं, जो हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं, मैंने उनके नामांकन में हिस्सा लिया। उसके बाद मैं कुल्लू मंडी फिर से दौरा करते हुए शिमला पहुंचा। तो मुझे ये लगता है कि कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और भाजपा का जो मिशन रिपीट का सपना है वो पूरा होने वाला नहीं है। और अभी एक प्रतिष्ठित अखबार है, जो दैनिक अखबार है दिल्ली का, उनका एक सर्वे आया है कि जहाँ जहाँ चुनाव होने 2022 में वहाँ उन्होंने जो है व्यापक सर्वे किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल को उन्होंने बहुत अच्छा अंका है और हिमाचल की जो पार्टी की गतिविधियां हैं, संगठन की जो गतिविधियां उनको मान्यता दी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में, हालांकि अभी समय लगभग एक वर्ष का समय रह गया है, हमें संगठन की गतिविधियों को और ज़्यादा आगे बढ़ाना होगा और 2022 जो है निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का होगा। पंजाब में उठे सियासी घमासान को निपटाने के बाद हुई थकान को मिटाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार सुबह 10:30 बजे शिमला पहुंची। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पिछले 2 दिन से शिमला में है। प्रियंका वाड्रा छराबड़ा स्थित अपनी निजी कोठी में छुट्टियां बिता रही है। सोनिया गांधी कुछ दिनों के लिए शिमला के पास छराबड़ा में प्रियंका गांधी के निजी आवास में ठहरेंगी। वहीं दोपहर बाद तकरीबन 3 बजे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का काफिला भी विक्ट्री टनल से होकर छराबड़ा की ओर निकला।
पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार को हिमाचल दौरे पर राजधानी शिमला पहुंची। करीब सुबह 9:30 बजे सोनिया गांधी का काफिला सोलन से शिमला की ओर रवाना हुआ। इस दौरान काफी संख्या में गाड़ियां उनके काफिले में मौजूद थी। पंजाब में मुख्यमंत्री के बदलाव के बाद सोनिया गांधी का हिमाचल दौरा राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद अब पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शिमला पहुंचे। राहुल गांधी का काफिला करीब 3 बजे शिमला पहुंचा और वे सीधे छराबड़ा में बहन प्रियंका वाड्रा के घर पहुंचे। बता दें कि प्रियंका वाड्रा शनिवार को ही अपने परिवार के साथ शिमला पहुंची थी। वहीं सोमवार सुबह सोनिया गांधी जहां शिमला पहुंची, वहीं राहुल गांधी भी दोपहर बाद शिमला पहुंचे। जानकारी के अनुसार गांधी परिवार 2 दिनों तक शिमला में रुकेगा। इस दौरान किसी भी कांग्रेस नेता से गांधी परिवार नहीं मिलेगा। शिमला के आईजीएमसी में उपचार के दौरान 7 माह के बच्चे ने दम तोड़ दिया। मासूम बच्चे की छाती जाम और खांसी की दिक्कत थी। वहीं बच्चे की मौत पर परिजनों ने हंगामा कर दिया और आरोप लगाया कि गलत टीका लगाने से बच्चे की मौत हुई है। वहीं आईजीएमसी के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया कि बच्चे को निमोनिया था और इसका रोहड़ू में उपचार चल रहा था। इलाज के लिए बच्चे को आईजीएमसी लाया गया। परिजनों का आरोप है कि सुबह के समय डॉक्टर द्वारा लिखा इंजेक्शन बच्चे को दिया गया तो इस दौरान बच्चे को उल्टी हुई और शरीर नीला पड़ गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बहरहाल बच्चे की मौत के असल कारण क्या है, यह तो पोस्टमार्टम करवाने और रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में उपचार के दौरान चिल्ड्रन वार्ड में दाखिल 7 महीने के बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे के परिवार वालों का आरोप है कि मासूम की मौत चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से हुई है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में जांच की बात कही है। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले शनिवार को रोहड़ू के देवीधार गाँव से बच्चे को इलाज के लिए आईजीएमसी लाया गया था। परिवार का कहना है कि बच्चे को केवल खांसी थी और चिकित्सकों द्वारा उसे चिल्ड्रन वार्ड में दाखिल कर लिया गया। सोमवार की सुबह बच्चे को जैसे इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद बच्चे के शरीर में लाल निशान पड़ने लगे और कुछ देर बाद ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। बहरहाल बच्चे की मौत के असल कारण क्या रहे हैं, यह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। बच्चे को इन्होंने इंजेक्शन गलत दे, पहले बच्चा ठीक था, जैसे इन्होंने पहले इंजेक्शन लगाया तब बच्चा ठीक था और उसके बाद दूसरा लगा लिया तो उससे जो है ये रेड होने लग गया तो तीसरा कर लिया। तीसरे पे जैसे इन्होंने आधा लगा लिया था तो बिल्कुल ही नीला पड़ गया, तो उसके बाद बोल रहे हैं कि डॉक्टर बुलाओ, तब उठा लिया और पर ले लिया तो बच्चा तो उसी टाइम डेड हो गया था। और ये पर तो ऐसे कर रहे थे, मतलब फॉर्मेलिटी की, मतलब नहीं आ रहे बच्चे के साथ, क्या कल किसी और के बच्चे के साथ करेगी ऐसे इंजेक्शन, उनका नाम तो नहीं, सिस्टर ने लगाया था। क्या हुआ था बच्चे को? बच्चे को सिर्फ खांसी थी और स्टीम ले रहा था, मतलब थोड़ी सी खांसी थी, मतलब और छाती जाम थी थोड़ी। देश में पिछले लंबे समय से स्वर्ण समाज द्वारा स्वर्ण आयोग के गठन की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर स्वर्ण संगठन लगातार सड़कों पर आंदोलनरत है। वहीं क्षत्रिय महासभा ने आरोप लगाया कि कई राज्यों में क्षत्रिय समाज से जुड़े इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिसे बंद किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जातिगत आरक्षण के कारण समाज में लगातार असमानता बढ़ रही है। उन्होंने मांग की है कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए, जिससे गरीब वर्ग को भी समाज में उन्नति के समान अवसर मिल सके। आज हिमाचल के राजधानी शिमला में प्रेस वार्ता के माध्यम से आपके बीच में जो नॉर्थ इंडिया की कुछ प्रदेशों में क्षत्रिय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए एक साजिश के तहत गुजर समुदाय के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा हमारे महान व्यक्तियों को केवल एक जाति के नाम से पुकारने का, उनके नाम से मूर्तियां लगाने का जो कार्य किया जा रहा है, उसको लेकर हम केंद्रीय सरकार से भी, प्रदेशों की सरकार से भी मांग करते हैं कि इसको रोका जाए और इसके बारे में जांच की जाए और मुख्यमंत्री, मंत्री, मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए जो हैं इस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल ना हों। दूसरे, आज के वार्ता का दूसरा हमारा जो उद्देश्य है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा लगातार 40 साल से
देश में इस मांग को लेकर आंदोलनरत है कि देश में आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, जातिगत आरक्षण को समाप्त किया जाए, देश में आरक्षण उनको दिया जाए जिनको आरक्षण की जरूरत है, गरीब को आरक्षण दिया जाए। और इसके अलावा जो देश में जो SC ST एक्ट है उसका मिसयूज बंद हो, झूठे मुकदमे जो दायर किए जाते हैं उनमें जो है, जैसे हिमाचल में मैंने आज सुना है कि यहाँ पे झूठे मुकदमों का संज्ञान लेकर वो मुकदमे कैंसिल किए गए हैं, एक बहुत अच्छी बात है। तो SC ST एक्ट का जो मिसयूज है वो बंद किया जाए। और जो स्वर्ण आयोग की जो बात हिमाचल में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में ये जो चल रही है, ये स्वर्ण आयोग की जो आयोग मांग है ये केवल इसलिए है कि जो स्वर्ण जातियाँ पिछले 20 साल में जो बहुत पीछे जा चुकी हैं, उनके बच्चे जो हैं रोजगार बेरोजगार हो चुके हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, ताकि उनके साथ सरकार कोई ऐसा पैमाना तय करे, स्वर्ण आयोग के माध्यम से कोई क्राइटेरिया तय करे, कोई कानून बनाए, कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जिससे कि स्वर्ण जातियों के जो बच्चे हैं, स्वर्ण जातियों के भाई हैं, उनको जो है उनके हितों की सुरक्षा की जा सके। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर मतियाना के समीप कंक्रीट से बना एक 4 मंजिला भवन धराशाही हो गया, जिसकी छत में आने से 4 मजदूर घायल हुए हैं। लाखों रुपए की लागत से बने इस नए कंक्रीट के भवन को स्थानीय निजी सेब आढ़ती सेब स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। हादसे के समय भवन में लगभग 2 से 3 हजार सेब की पेटियां रखी थी। दुर्घटना लगभग दोपहर के समय की है, जब इस भवन में सेब को स्टोर करने के लिए मजदूर काम कर रहे थे। भवन के गिरने से पहले जमीन खिसकने की आवाज आनी शुरू हो गई थी। ऐसे में मजदूरों ने खतरा भांपते हुए बाहर कूद कर अपनी जान बचाई। स्थानीय पुलिस, अग्निशमन दल और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर जाकर बचाव राहत अभियान चलाया। घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से ठियोग के सिविल अस्पताल लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को इलाज के लिए शिमला के IGMC अस्पताल भेजा गया। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद हिमाचल प्रदेश में पुलिस की भर्ती होने जा रही है, लेकिन भर्ती के लिए निकाली गई अधिसूचना में आयु सीमा की कट ऑफ डेट 31 अक्टूबर 2021 रखी गई है, जबकि इससे पहले जो भर्तियां होती रही है उनमें कट ऑफ डेट 1 जनवरी हुआ करती थी। ऐसे में भर्ती के इच्छुक युवाओं ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर DGP से इसमें संशोधन की मांग की है, ताकि तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं को भर्ती में भाग लेने का मौका मिल सके। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद प्रदेश में पुलिस की भर्ती होने जा रही है, जिसका युवा लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे, लेकिन भर्ती के लिए निकाली गई अधिसूचना में आयु सीमा की कट ऑफ डेट 31 अक्टूबर 2021 रखी है, जबकि इससे पहले जो भर्तियां होती रही हैं उसमें कट ऑफ डेट 1 जनवरी हुआ करती थी। ऐसे में प्रदेश के अलग अलग जिलों से युवा पुलिस मुख्यालय शिमला पहुंचे। युवाओं ने बताया कि पहले ही कोविड के कारण 2 साल भर्तियां नहीं हो पाई है, और अब पुलिस विभाग की ओर से जारी की गई इस अधिसूचना से कई युवा भर्ती से बाहर हो रहे हैं, इसलिए पुलिस विभाग से इसमें आयु सीमा की कट ऑफ 31 अक्टूबर 2021 से 1 जनवरी 2021 किए जाने की मांग की गई है, ताकि तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं को भर्ती में भाग लेने का मौका मिल सके। वहीं युवाओं ने बताया कि उन्हें पुलिस विभाग की ओर से उचित कार्यवाही का आश्वासन मिला है। जो अभी 10 सितंबर 2021 को जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती अधिसूचना जारी हुई है, उसमें जो उन्होंने डेट ऑफ कैलकुलेशन है या जो आयु सीमा जो मापी गई है वो 31 अक्टूबर 2021 से रखी गई है, तो हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि इसको जो है 1 जनवरी 2021 रखा जाए, क्योंकि आज तक जितनी भी भर्तियाँ हुई है या जो 2019 में जो भर्तियाँ हुई है उसमें भी जो कैलकुलेटिंग एज है या जो आयु सीमा जिसमें मापी जाती है वो जो है 1 जनवरी 2019 से रखी गई थी, और जितनी भी हिमाचल के और डिपार्टमेंट में भर्तियां होती है उसमें भी कैलकुलेटिंग एक जो है 1 जनवरी ही रखी जाती है, चाहे भर्ती की अधिसूचना कभी भी जारी हो जाए। तो इसलिए हम यहां पर आज DGP साहब से मिलने आए थे, तो वहां पर हम मिले हैं अभी, वहां पर उनको हमने यहां पर एप्लीकेशन दी हुई है इससे रिगार्डिंग, तो उन्होंने बोला है कि इस पर जो है मीटिंग करेंगे और उस पर कुछ संज्ञान लेंगे, तो आगे जो है वो हमारे को बताएंगे। तो जब से कोविड आया है हम तब से भर्ती का वेट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही बोला था कि इसमें 2 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी, तो 2 साल पहले भर्ती हुई थी, उसके बाद 2 साल बाद नोटिफिकेशन भी आई है, तो 2021 में जो भर्ती आनी इस बारी जो ये है उसमें 2021 वाले जितने भी अभ्यर्थी है जिनकी एज इस साल पूरी हो रही है वो सारे एलिजिबल होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं देवभूमि स्वर्ण मोर्चा ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया में जातीय आधार पर की जा रही असमानता के विरोध में प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। राजधानी शिमला में भी संगठन से जुड़े लोगों ने अपना विरोध जताया और जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को मांगों से जुड़ा एक ज्ञापन सौंपा।
देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं देवभूमि स्वर्ण मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया में जाति आधार पर की जा रही असमानता के विरोध में 20 सितंबर को पूरे प्रदेश भर में हर जिला में उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन भी किया। वहीं राजधानी शिमला में भी संगठन द्वारा उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन ठाकुर ने कहा कि संगठन द्वारा आज सभी जिला उपायुक्त के माध्यम से पुलिस भर्ती प्रक्रिया में जाति आधार पर की जा रही असमानता के विरोध में उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। उनका आरोप है कि प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस भर्ती में एक विशेष वर्ग के लिए आरक्षण का रूप न देकर 10 जगह आरक्षण को बांटा गया है और स्वर्ण समाज के युवाओं को कोई रियायत नहीं दी गई है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में उन्होंने प्रदेश सरकार से स्वर्ण समाज के युवाओं को कुछ रियायत दिए जाने की मांग की है और चेताया कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे आने वाले समय में अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। पुलिस भर्ती जो हिमाचल प्रदेश में हो रही है उसके विरोध में जिस प्रकार से उसमें आरक्षण को एक आरक्षण को 10-10 बारी एक कैंडिडेट के ऊपर थोपा जा रहा है उसके विरोध में हम डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जिसका जो ज्ञापन हम राज्यपाल जी को भी पहुंचाएंगे डीसी साहब के माध्यम से और सीएम साहब को भी पहुँचाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में जिस प्रकार से हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी जाति के लिए इस मापदंडों को चैलेंज कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि यदि किसी को आरक्षण देना है तो एक बारी दिया जाना चाहिए, यदि उसमें एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है तो अन्य जगह ना देना चाहिए, क्योंकि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में कम से कम एक व्यक्ति को एक कैंडिडेट को कम से कम 10 जगह आपने आरक्षण दिया है और उसकी एवज में स्वर्ण परिवार के जितने भी युवा हैं उन्हें किसी भी प्रकार का आपने आरक्षण में या किसी प्रकार का लाभ आपने नहीं दिया है, जो कि एक स्वर्ण परिवार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, स्वर्ण युवा के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। सामाजिक संस्था नेत्रांजलि द्वारा शिमला में प्रवासी मजदूरों उनके बच्चों को वस्त्र वितरित किए गए। संस्था के सदस्य हिमांशु कुमार ने बताया कि संस्था पिछले 21 वर्षों से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए जनसेवा के कार्य कर रही है। उन्हें बताया कि कोरोना काल में भी संस्था की ओर से गरीब व जरूरतमंद लोगों को राशन किट, फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए और निकट भविष्य में भी संस्था मानव सेवा से जुड़े कार्यों में सहयोग देती रहेगी। अपने जन्मदिन पर पिछले 21 साल से हम ये कार्यक्रम करते हैं। हर साल मैं अपने जन्मदिन पर गरीब बच्चों को ये कपड़े देता हूँ और इसमें लोगों का सहयोग रहता है और आज भी लोगों के सहयोग से कुछ अपने सहयोग से मिलकर हमने ये कपड़े लोगों गरीब इन बच्चों को बांटे और आगे भविष्य में भी हम ये कपड़े आगे बच्चों को बांटते रहेंगे। हमारे परिवार में चाहे किसी का भी जन्मदिन हो या एनिवर्सरी या कुछ हो तो हम यहाँ गरीब बच्चों को आकर कपड़े बांटते हैं और जैसे उनको खाना खुने का भी होता है हमारा खाना वगैरह भी खाते हैं। अभी पीछे हमने कोरोना काल में भी राशन वगैरह बांटा है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी हमारी नेत्रांजलि संस्था ने कार्य किए हैं, यहाँ पर शिमला में किए हैं। मेरा ये मानना है कि देखो जन्मदिन एक होता है कि एक खुशी का दिन होता है तो क्यों ना उस खुशी के दिन को सबके साथ मिलकर मनाया जाए, ये भी तो हमारी तरह इंसान है। तो मेरा इसलिए मैं इन सब लोगों के साथ अपना ये जन्मदिन मनाता हूँ। मैं केक वगैरह नहीं काटता, इनके साथ जन्मदिन मनाता हूँ। मेरे को इससे अपने दिल को खुशी होती है, दिल को तसल्ली मिलती है इसको जी। हिमाचल खबरनामा के संग इतना ही, नमस्कार।